स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्सवेयर पे। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो UPSI और SSC GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक सही 3/16 तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है? अगर संख्या और उसका व्युत्क्रम का आपसे अंतर पूछा जाता है तो पहले संख्या को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए। जैसे ये 1/3/16 है तो पहले आप इसकी इसमें गुणा करेंगे 16 + 16 और इसको ऐड कर देंगे तो 19/16। इसके बाद आपको उसका अंतर चाहिए, उसके व्युत्क्रम से अंतर चाहिए। व्युत्क्रम से अंतर जब भी आप निकालेंगे तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा ऐसे ही करना है। अगर वो व्युत्क्रम का जोड़ पूछेगा उस संख्या के साथ, मतलब उनका योग, तब इनके वर्ग को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो 19 का वर्ग 361 होता है और 16 का वर्ग 256 होता है। तो 6, 5, 11, 0, 3 में से 2, 1, 105, इन दोनों के व्युत्क्रम का अंतर आपका आ जाएगा। जबकि नीचे जो आपको लिखना है वो क्या है, ये ऊपर वाली संख्या आपकी आएगी और नीचे इन दोनों की गुणा को लिखा जाएगा। तो 19 की 16 में गुणा करेंगे तो 9 6 54, 9 6 15 5 20, 1 1 1 और 2 3, तो 105/304 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? जैसे हम कहते हैं 10 में कितने 2 हैं, तो इससे से भाग कर दो, पता चलता है 5 बार 2 हैं। तो सेम तरीके से उसने कहा 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो कितने जो पूछा है वो हमेशा उसको डिवाइड करेगा। तो 37 × 2 = 74 और 1 = 75/2, और इसको इससे भाग करेंगे। भाग करने का मतलब होता है कि इसके उल्टे से गुणा करेंगे, जो कि होगा 75/2 गुणा में 8/1, 2 × 8, 75 × 300। तो 301/8 है 75/2 के अंदर। एक संख्या 38 से उतनी अधिक है जितनी 80 से वह संख्या कम है। अब इसमें क्या करना होता है, अगर आपसे ऐसी संख्या पूछिए जो 38 से उतनी ज़्यादा है जितनी 80 से कम है, ऐसे करके जब भी क्वेश्चन पूछता है तो जिससे जितनी अधिक या जिससे जितनी कम होती है उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 80 और 38 को ऐड कर लेंगे और जो आएगा उसका आधा वह संख्या होगी, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। तो 59 वह संख्या है जो 38 से उतनी बड़ी है जितनी 80 से छोटी है। 1/12 का कौन सा भाग 3/8 होता है? तो अब अगर मैं आपसे बोलूं 10 का कौन सा भाग 2 होता है तो इससे से भाग करो तो 5वां भाग होता है सेम वे में। तो इसका मतलब 1/12 का कौन सा भाग 3/8 होता है, तो 1/12 को आप 3/8 से भाग कर दीजिए। 1/12 को 3/8 से भाग करने का मतलब है किसके उल्टे से गुणा कर दीजिए, तो 8/3 से आप गुणा कर दीजिए। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 2/9 वह उसका भाग हो जाएगा। 57 का 2/3, देखिए 57 का 2/3 2/3, तो 19 × 2 = 38। 90 के 1/3 से 90 का 1/3 लेना है से कितना अधिक है, देख इनका अंतर जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए ये आंसर आ जाएगा आपका 8। तो 57 का 2/3 90 के 1/3 से 8 अधिक है। ये थे आज के वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।